जब हम किसी कार को काफी दूर से देखते हैं तो उसका जो दो हेडलाइट्स है उन्हें हम अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि वो दो अलग अलग सोर्सेज हैं, वो एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाता है। ये बेसिकली होता है डिफ्रैक्शन के कारण। जितना कार करीब आता है हम उतना समझ पाते हैं कि यहां पर दो हेडलाइट्स है और दो अलग अलग है। यहां पर देखिए कार काफी क्लोज है, यहां पर दोनों डिस्टिंग्विशेबल है दोनों सोर्सेज। तो यहां से अगर मैं देख रहा हूं, मान लें ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इस फर्स्ट केस में आप देखें जो एंगल बन रहा दोनों सोर्सेज के बीच का, ये एंगल काफी ज्यादा है। लेकिन बाकी केसेस में, जैसे इस केस में, इस दूसरे केस में एंगल थोड़ा कम है, रिलेटिवली कम है, और इस तीसरे केस में लगभग ये मर्ज कर गया है और जो एंगुलर सेपरेशन है वो बहुत 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 कम है, ये बहुत कम है। इसी फैक्ट से रिलेटेड दो टर्म्स पे आज हम बात करेंगे, एक तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और दूसरा रिजॉल्विंग पावर। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है? दो सोर्सेज के बीच या फिर कह पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बीच जो स्मॉलेस्ट सेपरेशन होना चाहिए ताकि हम उसे अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सके, वो हमें सेपरेटेड दिखे, उस डिस्टेंस को कहा जाता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। और ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एसोसिएटेड है, इसीलिए रिजॉल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यहां पर जो स्मॉलेस्ट सेपरेशन है ये लीनियर भी हो सकता है और एंगुलर भी हो सकता है, हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो हम आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं उस हिसाब से कभी कभार हम लीनियर डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं, कभी कभार हम एंगुलर डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। यहां पर देखें ये दोनों टर्म्स एसोसिएटेड है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, पर जब हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को तो फिर ये कॉन्सेप्ट क्यों आता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर का? अब ध्यान से सोचे, आपके आंखों में भी तो है लेंसेस, उन लेंसेस के कारण ये हो रहा है। और बेसिकली जो फंडामेंटल कारण है इसके होने का वो है डिफ्रैक्शन। आई होप कि आपने डिफ्रैक्शन वाला सारा वीडियो देख लिया है, तो उसी से हम आगे बढ़ेंगे। अगला टर्म जो होगा वो होगा रिजॉल्विंग पावर, ये कुछ खास नहीं है, ये जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है इसी का रेसिप्रोकल है, इस पे हम आगे बात कर रहे हैं। फिलहाल तो चलिए देख लेते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को हम किस तरह से और समझ सकते हैं कि ये क्यों होता है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं ताकि हम डिफ्रैक्शन को यहां पर बेहतर तरीके से इंक्लूड कर सके, समझ सके कि डिफ्रैक्शन इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल क्यों है। तो इसके लिए मान ले कि एक सर्कुलर अपार्चर है, यहां पर एक सर्कुलर छेद है और ये है स्क्रीन। दो ऑब्जेक्ट्स को हमने रखा, एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, पिंक कलर का ऑब्जेक्ट देखे, छोटा सा ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर रखा। तो अब ये जो पिंक कलर का ऑब्जेक्ट है यहां से लाइट बाहर निकलेगा, अपार्चर से पार होगा और यहां पर बनेगा इसका ट्रेसेस। ये सर्कुलर अपार्चर है तो आपको लग सकता है कि ये सिर्फ यहीं पर इसका जो इमेज है वो बनेगा या फिर कहें इसका जो ट्रेस है वो यहां पर बनेगा, लेकिन डिफ्रैक्शन के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि ऐसा नहीं होगा। यहां जितने भी पॉइंट्स हैं अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल सारे वेव के सोर्सेज की तरह बिहेव करेंगे और यहां से वेव बाहर निकलेगा और हमें यहां पर दिखेगा डिफ्रैक्शन पैटर्न, कुछ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा हमें दिखेगा यहां पर, देखिए उसी को ग्राफिकली हमने यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट किया है। यहां पर ये जो ये एक्सिस है, ये एक्सिस में जो ये पीक आपको दिख रहा है यहां पर, ये सारे पीक्स ये इंटेंसिटी को इंडिकेट कर रहा है बेसिकली, यहां लाइट जो इंसिडेंट कर रहा है उसका इंटेंसिटी को। और यहां पर देखें ये जगह जो है ये इंडिकेट कर रहा कि यहां पर डार्क स्पॉट्स बनेंगे। अब देखिए इस ब्लू ऑब्जेक्ट से भी लाइट यहां ऐसे पहुंचेगा और हमें यहां पर दिखेगा कुछ ऐसा डिफ्रैक्शन पैटर्न। यहां पर दो सोर्सेज का जो ट्रेसेस है उसका जो सेंट्रल मैक्सिमम है, देखें एक का सेंट्रल मैक्सिमम दूसरे का सेंट्रल मैक्सिमम, ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जा रहा है, पूरी तरह से ओवरलैप कर जा रहा है। यहां अगर मैं इस ग्राफ में देखता हूं तो मैं ये पाऊंगा, यहां से अगर मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं नीचे की तरफ और यहां पर इसे मैं नीचे की तरफ खींचता हूं, तो देखें ये जो सेंटर है
इसका जो सेंटर है, सेंट्रल मैक्सिमम का सेंटर, ये दूसरा वाला जो वेव है उसका जो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम है उसके और इसका जो सेंट्रल मैक्सिमम है उसके सेंटर के बीचों बीच पड़ रहा है। इस तरह के केसेस में हम दो सोर्सेस को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं और इस तरह के सिचुएशन में हम कहते हैं ये जो है दो ऑब्जेक्ट्स ये कंप्लीटली अनरिजॉल्व्ड है। लेकिन अगर मैं इस ब्लू ऑब्जेक्ट को यहां से अब शिफ्ट करता हूं कुछ ऐसे, तो होगा ये कि यहां इसका जो बन रहा है ट्रेस वो भी थोड़ा इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। अब मान ले शिफ्ट करते हुए ये यहां पर पहुंच गया, तो इस खास सेपरेशन के लिए आप ये पाएंगे कि अब इसके सेंट्रल मैक्सिमम का जो सेंटर है वो दूसरे वाले के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम में पड़ रहा है। इसका भी देखें कुछ वही होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं कि ये जस्ट रिजॉल्व्ड हुआ है, अब हम इसे सेपरेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, हम समझ पाते हैं जो इस केस में हमने देखा था, इन दो सोर्सेस को अलग अलग ट्रीट कर पाएंगे। अगर आप इसी स्क्रीन को ऊपर से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो केस है इस केस में इसका जो सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा है, ब्लू का जो सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा है वो कुछ ऐसा बनेगा, बीच में सर्कुलर बनेगा क्योंकि सर्कुलर अपार्चर है, और पिंक का जो सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये दोनों ओवरलैप तो करेंगे लेकिन इसका जो सेंटर है उसी के थ्रू इसका जो सर्कमफेरेंस है वो पार हो रहा है, और इसका जो सेंटर है इस ब्लू वाले का जो सेंटर है उससे इसका सर्कमफेरेंस पार हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं ये जस्ट रिजॉल्व्ड हुआ, हम जस्ट समझ पा रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं। तो फिर ये जो डिस्टेंस हुआ अब इन दोनों के बीच, इस डिस्टेंस को इस पूरे सिचुएशन में अगर देखें तो बाकी सारे डेटा को वैसा ही रहना है, तो उन सब के रेस्पेक्ट में इस डिस्टेंस को हम कहेंगे लीनियर सेपरेशन ऐसा है जिसके कारण कि ये दोनों जस्ट रिजॉल्व हुए हैं, तो ये होगा इसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। एंगल में अगर कंसिडर करें आप तो ये जो एंगल बनेगा यहां पर ऐसा जो एंगल बन रहा है ये एंगल, ये हो जाएगा इसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंगुलर टर्म में कहें तो। आप इन दोनों को अब और सेपरेटेड कर दें, इस ब्लू को मैं और शिफ्ट करता हूं, तो कुछ शिफ्ट करते हुए मैंने इसे यहां भेज दिया, तो होगा ये कि यहां पर इसका जो ट्रेसेस है स्क्रीन में ये और ज्यादा सेपरेटेड हो जाएंगे। तो अब जो है जैसे ही पिछले केस से जब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हुआ था उससे हमने और ज्यादा शिफ्ट कर दिया इसे, तो अब हम कहेंगे ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये दोनों अब वेल रिजॉल्व्ड है। यहां पर हमने कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसीडर नहीं किया था। अगर आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के टर्म में देखें तो देखें आप क्या पाएंगे। हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे एक सिंपल माइक्रोस्कोप, दैट मीन एक कॉन्वेक्स लेंस। दो सोर्सेस ऐसे, एक सोर्स और ये हो गया दूसरा सोर्स। अब एक लेंस बना लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा, हम साइड व्यू देख रहे हैं और पीछे जो है एक स्क्रीन है कुछ ऐसा। अब यहां पर इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा यहां पर, तो ये इमेज जो है ये शार्प नहीं बनता है पीछे स्क्रीन में, ये कुछ ऐसा बनता है, ये एक फ्रिंज रहता है सर्कुलर फ्रिंज जिसे कि सेंट्रल मैक्सिमम कहते हैं हम, ये भी डिफ्रैक्शन के कारण ही होता है, और हमें ऐसे दिखता है सर्कुलर रिंग्स ऐसे कुछ ऐसे, ये भी डिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। अब अगर इसका इमेज देखें वहां पर, तो इसका इमेज बना कुछ मान ले ऐसे, ये इसका सेंट्रल मैक्सिमम और ऐसे सर्कुलर रिंग्स, तो देखिए एक दूसरे पे पूरी तरह से ओवरलैप कर रहा है ये दोनों। तो ऐसे स्थिति में हम कहेंगे दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के रेस्पेक्ट में, इस कॉन्वेक्स लेंस के रेस्पेक्ट में, ये इनका सेपरेशन ऐसा है कि ये वेल रिजॉल्व्ड नहीं है, इवन जस्ट रिजॉल्व्ड भी नहीं है, तो ये अभी तक लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन में नहीं पहुंचा है इनका जो सेपरेशन है। अब अगर मैं
इन दोनों को अब और थोड़ा ज्यादा सेपरेट कर देता हूं तो यहां पर धीरे धीरे जो ये है फ्रिंजेस हैं वो एक दूसरे से इतना दूर हो जाएगा कि हम इन्हें सेपरेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो उस सर्टन सेपरेशन को हम कहेंगे इसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, ये है सिंपल माइक्रोस्कोप। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पर देखें ये आप सर्कुलर अपर्चर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लाइट वेव्स यहां से आ रहा है ऐसे और इसके हर एक पॉइंट में पहुंच रहा है। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल यहां हर एक पॉइंट जो है ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ऑब्वियस ही बात है पीछे स्क्रीन में हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा। इसी तरह से माइक्रोस्कोप का भी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है, टेलीस्कोप का भी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है और उससे आगे बढ़ के हम कह सकते हैं उनके साथ एसोसिएटेड रिजॉल्विंग पावर भी होता है। तो यहां पर देखिए रिजॉल्विंग पावर है क्या, ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का ही रेसिप्रोकल है। मान ले कि एक माइक्रोस्कोप है और माइक्रोस्कोप में दो पॉइंट्स को हम देख रहे हैं। ये एक पॉइंट मान ले फिजिकली यहां पर रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट, और उसके बगल में एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बहुत क्लोज। तो माइक्रोस्कोप से मान ले हम इसे देख रहे हैं इन दोनों को, तो हमें क्या दिखेगा, ओवरलैप दिखेंगे ये दोनों पूरी तरह से। तो इस सिचुएशन में अगर हम इन दोनों के डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, बढ़ाते हुए एक समय ऐसा आएगा कि हमें ये दोनों जस्ट रिजॉल्व्ड दिखेंगे। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ये सेपरेशन जितना ज्यादा होगा, मान ले दो माइक्रोस्कोप है आपके पास, एक में तो दो पॉइंट्स को आप यहां और यहां इन दोनों को आसानी से देख पा रहे हैं, दूसरे में अब इन दोनों को आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं अब, तो पावर किसका ज्यादा है रिजॉल्व करने का, रिजॉल्व दैट मीन डिस्टिंग्विश करने का, पावर किसमें ज्यादा है? ऑब्वियस ही बात है इसमें ज्यादा है, बहुत कम सेपरेशन है फिर भी आपको दिखा दिया कि हां भाई सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं। यहां पर इसका जो रिजॉल्विंग पावर है वो कम है। लेकिन आप लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को देखें, यहां पर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होगा अगर लीनियर टर्म में बात करें, तो ये जो डिस्टेंस है, तो चलिए ये डिस्टेंस d1 मान ले, और दूसरे के लिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ये डिस्टेंस होगा, चलिए ये d2 हो गया। किसका रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है? इसका ज्यादा है, इसका रिजॉल्विंग पावर कम है। लेकिन यहां पर देखें लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इसका ज्यादा है और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इसका कम है, तो ऑब्वियस ही बात है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बढ़ेगा उसका मतलब उसका रिजॉल्विंग पावर कम है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा, बहुत छोटा हो गया मान ले, बहुत छोटा सेपरेशन को भी वो अलग अलग हमें दिखा देता है, तो फिर ऑब्वियस ही बात है उसका रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा। इसीलिए रिजॉल्विंग पावर को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का, जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं हम, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगा उसी का रेसिप्रोकल होगा। अब आगे बीएससी के वीडियोस में हम जो टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप हो, कंपाउंड हो, उनके लिए जो रिजॉल्विंग पावर है उन सबका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उन्हें डेराइव करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।